नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम बात करेंगे 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक कैसा रहेगा आपका भाग्य सितारों के मुताबिक, और सितारों के मुताबिक आपका भविष्य फल आपको बताने के लिए एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अमित पांडे जी, जो कि ज्योतिषी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी धन्यवाद आपका। जी तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और जानते हैं कैसा रहेगा मेष राशि का राशिफल 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक। पंडित जी, मेष राशि का राशिफल बताएं। मेष राशि के दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, अतः चंद्रमा की भाग्य भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है मेष राशि वालों के, अतः यह समय उन्नति का है मेष राशि वालों का। सप्ताह के मध्य में कहीं यात्रा कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, लेकिन यात्रा चाहे जिस प्रकार की हो वह सदैव लाभदायी ही सिद्ध होगी इस सप्ताह। पिता का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। हाँ, रही बात किसान भाइयों की, तो किसान भाई इस सप्ताह पिपरमेंट में यदि निवेश करते हैं तो वह उनके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। इस सप्ताह शुभ अंक आपके लिए है 3 और शुभ रंग है पीला। मेष राशि के लोग 3 और पीले रंग का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो मेष राशि वालों का शुभ अंक 3 है, शुभ रंग आपका पीला है। अगली राशि पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस कार्यक्रम में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, पंडित जी से अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं उस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। अगर आप अपनी डिटेल्स हमें नहीं भेजेंगे तो आपके सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। हमारे पास जो भी सवाल आ रहे हैं वो आधे अधूरे सवाल हैं, आपकी हमारे पास डिटेल्स पूरी नहीं है, इसलिए हम आपके सवाल नहीं ले पा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी पूरी डिटेल्स भेजें ताकि हम आपके सवाल अच्छे से कार्यक्रम में ले सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि की, वृषभ राशि की। पंडित जी, वृषभ राशि का राशिफल भी बताएं। वृषभ राशि के दर्शकों को बताऊं कि यह सप्ताह के शुरुआत में आपके स्वास्थ्य को कम कर सकता है, परेशान कर सकता है स्वास्थ्य की दृष्टि से, सप्ताह का पहला पक्ष। दूसरी बात, रोग कौन से होंगे? रक्त विकार। रक्त विकार मतलब एनीमिया या कोई रक्त के संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है, जैसे डायबिटीज हो। दूसरी बात है, आपको हेडेक भी हो सकता है, सर में दर्द की भी शिकायत इस सप्ताह बन सकती है सप्ताह के पहले पक्ष में। हाँ, एक अच्छी बात है कि इस सप्ताह आपको धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। हमारे किसान भाइयों के लिए बताऊं कि आप मूंगफली में निवेश करें, मूंगफली की खेती, मूंगफली का व्यापार आपको लाभ देगा इस सप्ताह। शुभ अंक आपके लिए है 2 और शुभ रंग आपके लिए है श्वेत अर्थात सफ़ेद। दोनों चीज़ें आप प्रयोग करें, उचित अवसर आने पर निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो ये था वृषभ राशि का राशिफल। अगली राशि पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि आज हम अपने कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि आर्थिक स्थिति अगर आपकी कमज़ोर है तो कैसे उसको आप ठीक कर सकते हैं, क्या ग्रहों की दशा होती है जब आप आर्थिक तंगी महसूस करते हैं, किस ग्रह का ये दुष्प्रभाव होता है और उस ग्रह को कैसे मजबूत किया जाए, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात अगली राशि की, मिथुन राशि की। पंडित जी, मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा सप्ताह? मिथुन राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि लग्न में ही चंद्रमा है, तो लग्नस्थ चंद्रमा सदैव लाभ देता है, हर समय अच्छा ही अच्छा करता है। नौकरी पेशे में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी पदोन्नति के भी योग इस सप्ताह बन रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि खर्च की अधिकता रहेगी, किसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में आप धन अधिक खर्च करेंगे इस पूरे सप्ताह। हाँ, किसान भाइयों को बताऊं कि आप दालों में निवेश करें, दालों में निवेश करने से आपको लाभ मिलेगा। इस सप्ताह शुभ अंक आपका है 1 और शुभ रंग है लाल। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, उचित अवसर आने पे आपको लाभ मिलेगा। तो मिथुन राशि वालों का शुभ अंक 1 है, शुभ रंग आपका लाल है। ये दोनों चीज़ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका सप्ताह और भी उत्तम साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि, कर्क राशि की। पंडित जी, कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा 30 अप्रैल से 6 मई तक? कर्क राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इनकी राशिफल के अनुसार इस सप्ताह द्वादश मतलब 12वें भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, जो कहीं न कहीं धन के नुकसान का योग बनाता है। कैसा धन का नुकसान? आप अपने नगदी पैसों के प्रति, कैश मनी के प्रति लापरवाही ना करें। आपका कहीं पॉकेट गिर सकता है, कहीं धन कैश आपका खो सकता है, थोड़ा उसके प्रति आप सावधानी रखें। और
प्रयास आप यदि कोई कर रहे हैं किसी काम को पूर्ण करने में, कोई काम को ठीक ढंग से सफल बनाने के लिए, वो करें, वो सारे प्रयास आपके सफल होंगे। शिक्षार्थियों को मन लगा के पढ़ने की जरूरत है इस सप्ताह, नहीं तो कोई बड़ा अवसर इस सप्ताह आपके हाथ से छूटने वाला है। सावधान रहें, यात्रा करनी है तो बेझिझक करें इस सप्ताह, यात्रा लाभदायी रहेगी। किसान भाइयों के लिए बताऊं कि यह सप्ताह आप थोड़ा खेती बाड़ी से दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस सप्ताह कुछ सरकार से आपका ऐसा मामला, ऐसा कोई काम फंसा हुआ है कि उसी काम में आपका पूरा सप्ताह बीत जाएगा, लेकिन अच्छी बात है काम आपका हो जाएगा। शुभ अंक आपके लिए है 3 और शुभ रंग है आपके लिए गोल्डन सुनहरा। इन दोनों चीज़ों का आप प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो कर्क राशि वालों का शुभ अंक 3 है, शुभ रंग आपका सुनहरा है। ये दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके सप्ताह में थोड़ा सकारात्मक परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। आगे की राशियों पर चर्चा करें उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि कब व्यक्ति आर्थिक तंगी महसूस करता है, कौन से ग्रहों का दुष्प्रभाव होता है, सब कुछ बताएंगे। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि और नक्षत्र में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक कैसा रहेगा आपका भाग्य सितारों के मुताबिक। साथ ही हम आज के कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि कब व्यक्ति आर्थिक तंगी महसूस करता है, कौन से ग्रहों का दुष्प्रभाव होता है जब व्यक्ति आर्थिक तंगी का सामना करता है, और कैसे आप क्या ज्योतिष के उपाय करके आर्थिक तंगी से निपट सकते हैं, कैसे उन ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। हमारे कुछ दर्शकों के सवाल आए हैं जो बिना नाम के हैं, लेकिन उनकी समस्या यही है कि वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। तो क्या आप उपाय कर सकते हैं अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, और कौन से ग्रहों के ये असर हो सकते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात अगली राशि सिंह राशि की। पंडित जी सिंह राशि का राशिफल भी बताएं। सिंह राशि के दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह आपके एकादश भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, कहीं ना कहीं यह स्थिति लाभ देने वाली होगी, मतलब लाभ आपके सामने प्रत्यक्ष आपको दिखाई देगा। काम की अधिकता जरूर रहेगी, आप काम में इस समय फंसे हुए हैं, काफ़ी व्यस्त जीवनचर्या इस समय आपकी इस सप्ताह रहने वाली है। मन आपका फिर भी प्रसन्न रहेगा, क्योंकि काम करने से जो संतोष मिलता है उससे अधिक संतोष कहीं नहीं होता। हाँ, इतना जरूर हमारे किसान भाइयों के लिए है कि आप इस सप्ताह के शुरुआत में ही यदि आप आम की खेती कर रखे हैं तो उसके प्रति आप सावधान हो जाइए और उसके लिए तैयारी करिए, उसको बेचने के लिए आपको अच्छे मुनाफे देके जाएगा ये आम की खेती, आम का फल, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। शुभ अंक आपका है 2 और शुभ रंग है समुद्री नीला। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो सिंह राशि वालों का शुभ अंक 2 है और शुभ रंग आपका समुद्री नीला है। दोनों चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सकारात्मक परिवर्तन आप इस सप्ताह जरूर पाएंगे। आगे की राशियों पर चर्चा करें उससे पहले बात करते हैं आर्थिक तंगी क्यों आती है व्यक्ति के जीवन में, किन ग्रहों का ये प्रभाव होता है। पंडित जी, हमारे पास कुछ दर्शकों के सवाल आए हैं जिनमें उन्होंने अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन नहीं किया है, लेकिन सवाल मिला जुला एक है कई लोगों का कि आर्थिक तंगी का वो सामना कर रहे हैं, किस ग्रह का वो प्रभाव है और क्या उससे निपटने के उपाय हो सकते हैं, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए स्मिता जी, जो आपने प्रश्न किया कि जीवन में आर्थिक तंगी क्यों आती है, सही बात है, हर इंसान कहीं ना कहीं जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर के परेशान रहता है, सोचता है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसे अधिक से अधिक मजबूत हो। तो मैं बताऊँ कि कुंडली में उसके लिए कुछ दो एक चीज़ें महत्व की होती हैं। सबसे पहली बात है धन का कारक जो ग्रह कहा जाता है वो चंद्रमा और मंगल है, चंद्रमा मंगल की युति है, दूसरा धनेश है। सबसे बड़ी बात है किसके पास धन होगा या नहीं होगा, इसके लिए कुंडली में धन भाव के स्वामी की स्थिति देखनी चाहिए, द्वितीय भाव के स्वामी की स्थिति देखनी चाहिए, उसी सब कुछ पता चल जाता है कि इंसान की आर्थिक स्थिति जीवन में कैसी रहने वाली है। दूसरी बात लाभेज की स्थिति, मतलब आदमी कितना धन अर्जन करेगा अपने बाहुबल से, ये दो चीज़ों को देख लिया जाए तो स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि जातक की आर्थिक स्थिति क्या रहने वाली है, एक बात। लेकिन मैं अपने उन तमाम दर्शकों को आश्वस्त कर दूं कि यदि उनके पास उनके जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का कुछ मालूम नहीं है डिटेल, तो घबराएं नहीं, कोई बात नहीं।
आपके कुंडली की भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताता हूँ कि आपकी कुंडली में कितने भी कुयोग क्यों न हो, कितने भी बुरी स्थिति क्यों न हो, लेकिन मेरे द्वारा ये बताए गए उपाय श्रद्धा से यदि आप करेंगे तो यकीन जानिए 100 नहीं 1000% दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। इतना आपने कल्पना भी नहीं किया है और आपके परिश्रम का 100% फल आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। उपाय क्या है वो नोट कर लें। उपाय बहुत आसान है। धन की अधिष्ठात्री देवी कही जाती है माता महालक्ष्मी, उन्हीं को केवल प्रसन्न करना है एन केन प्रकारेण, तो उन्हीं के निमित्त मैं आपको उपाय बता देता हूँ। करना क्या है, श्री सूक्त का पाठ करना है। श्री सूक्त में कुल 16 मंत्र हैं, उन्हीं 16 मंत्रों को आपको पढ़ना है कम से कम 16 बार डेली। आप यह 16 बार डेली श्री सूक्त का पाठ करना आरंभ कर दीजिए, एक संवत्सर बीतते बीतते आपकी आर्थिक स्थिति पूर्ण रूपेण बदल जाएगी, आपके तरक्की की स्थिति कई गुना बढ़ जाएगी, समाज में एक बहुत अच्छी स्थिति और समृद्ध संभ्रांत लोगों में गणना आपकी होने लगेगी। श्री सूक्त का मंत्र आरंभ होता है हरि ओम हिरण्यवर्णाभरणिम, यहाँ से आरंभ होकर के यह सुचि प्रयतो भूत्वा जुहिया दज्जमन्वः, यह 16वां श्लोक है। इन्हीं 16 श्लोकों का 16 बार नित्य एक वर्ष आप पाठ करें, माता महालक्ष्मी की पूजा करें, श्री यंत्र की पूजा करें, ये तमाम उपाय यदि आप करते हैं तो इससे माता महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी और वो चल अचल संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं और वो आपको सब प्रकार से संपन्नता को और अष्टलक्ष्मी को देने वाली सिद्ध होंगी। तो पंडित जी ने आपको बता दिया है अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो क्या उसके कारण हो सकते हैं और क्या इससे निपटने के उपाय हो सकते हैं, वो सब आपको पंडित जी ने बता दिया है। एक गुजारिश है हमारी दर्शकों से कि अगर आप इस कार्यक्रम में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, पंडित जी से किसी सवाल का जवाब चाहते हैं, तो सवाल के साथ आप अपनी डिटेल्स, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान और जन्म का समय लिखकर नाम के साथ हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि की। पंडित जी कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा 30 अप्रैल से 6 मई तक? कन्या राशि के दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह कन्या राशि के लोगों को नई नौकरी का योग है। यदि आप बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी भूल जाइए, नौकरी आपकी लगने वाली है। हाँ, ससुराल पक्ष से भी आपको धन मिलने के पूर्ण योग मिल रहे हैं। इस सप्ताह आप धर्म कार्य पे भी कुछ धन खर्च करेंगे, धार्मिक कार्यों में आप भाग लेंगे, उसके हिस्सेदार बनेंगे। रही बात किसान भाइयों की, तो किसान भाई जो पशुधन जिनका मुख्य धन है, मुख्य व्यवसाय है, ऐसे लोगों को पशुओं से धन लाभ होगा। चाहे पशुएं बेच करके पैसा कमाएं, चाहे पशुओं से उत्पन्न होने वाले उत्पादों को बेच करके धन कमाएं, निश्चित रूप से पशु आपके लिए धन देने वाले सिद्ध होंगे। शुभ अंक आपके लिए है 1 और शुभ रंग है मैरून। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें उचित अवसर आने पर, निश्चित रूप से आपके लाभ के प्रतिशत में वृद्धि होगी। तो कन्या राशि वालों का शुभ अंक 1 है, शुभ रंग आपका मैरून है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। पंडित जी तुला राशि का राशिफल भी बताएं। तुला राशि के दर्शकों को बताऊं कि इस समय नवम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है तुला राशि के। नवमस्त चंद्रमा भाग्य में सहायक रहेगा, मतलब भाग्य से सारे काम बनते हुए आपको दिखाई देंगे। यात्रा भी लाभदायी सिद्ध होगी और उस यात्रा के दौरान आप एक बड़ी योजना बनाने में सफल होंगे और योजना आपकी सफल भी रहेगी भविष्य में। हाँ, हमारे किसान भाइयों की बात, जो किसान भाई पक्षी पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें निश्चित रूप से इस सप्ताह लाभ मिलेगा। शुभ अंक आपका है 9 और शुभ रंग है पीला। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो तुला राशि वालों का शुभ अंक है 9 और शुभ रंग आपका पीला है। चलिए बिना रुके आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की भी। पंडित जी वृश्चिक राशि का राशिफल भी बताएं। वृश्चिक राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि यह सप्ताह थोड़ा सा शारीरिक दृष्टि से कम ठीक है, आपको किसी प्रकार का रोग परेशान कर सकता है, लेकिन निश्चिंत रहें, जैसे ही सप्ताह का मध्य बीतेगा स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाएगा। शोध कार्य में आपको सफलता मिलेगी, जो वृश्चिक राशि के शोधार्थी हैं, शोध इत्यादि कर्म में लगे हुए हैं, उन्हें सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह। संतान से भी आपको अच्छा सुख मिलने वाला है। हाँ, किसान भाई इस सप्ताह तेल की फसलों में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये फसलें आपको मुनाफा देंगी।
तेल में, आप कमोडिटी में भी पैसा लगा सकते हैं, वहाँ से भी आपको मुनाफा मिलेगा। इस सप्ताह शुभ अंक आपके लिए है 8 और शुभ रंग है नीला। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो वृश्चिक राशि वालों का शुभ अंक 8 है, शुभ रंग आपका नीला है। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे बाकी बची 4 राशियों की। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ, देखते रहिए कृषि और नक्षत्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक कैसा रहेगा आपका भाग्य सितारों के मुताबिक। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। पंडित जी, धनु राशि का राशिफल क्या कहता है 30 अप्रैल से 6 मई तक? धनु राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह के शुरुआत में इन्हें विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे, मतलब जिन लोगों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है उन्हें अच्छे प्रस्ताव मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में भी आप उन्नति करेंगे। हाँ, एक सावधानी की बात आपको क्या करनी है कि आप अपने विरोधियों के प्रति सावधान रहें, क्योंकि विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। डेयरी इंडस्ट्री में यदि आप लगे हुए हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये डेयरी इंडस्ट्री आपको इस सप्ताह बहुत लाभ देने वाली है, हमारे सभी किसान भाइयों की जो दुग्ध का या दुग्ध से जुड़े हुए उत्पादों का व्यापार करते हैं। शुभ अंक आपके लिए है 7 और शुभ रंग आपके लिए है श्वेत। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से ये चीज़ें आपको लाभ देंगी। तो धनु राशि वालों का शुभ अंक 7 है और शुभ रंग आपका सफेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। पंडित जी, मकर राशि का राशिफल भी बताएं। मकर राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह आपकी प्रतिस्पर्धा में विजय होगी, मतलब यदि आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता के पूर्ण योग दिखाई दे रहे हैं। मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, यश वैभव आपका बढ़ने वाला है। नए मकान के भी योग बने हैं, मतलब आप कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं। हाँ, रही बात किसान भाइयों की, तो किसान भाई इस सप्ताह नगदी फसलों से लाभ प्राप्त करेंगे। शुभ अंक आपका है 6 और शुभ रंग है आपका गुलाबी। समय पड़ने पे, जरूरत पड़ने पे इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो मकर राशि वालों का शुभ अंक 6 है, शुभ रंग आपका गुलाबी है। इन दोनों चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो सकारात्मक परिवर्तन आप अपने सप्ताह में जरूर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। पंडित जी, कुंभ राशि का पूरा सप्ताह कैसा रहेगा सितारों के मुताबिक? कुंभ राशि के दर्शकों को बता दूं कि ऐसे कुंभ राशि के लोग जो कंप्यूटर के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो कम्युनिकेशन के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन्हें सफलता मिलने के पूर्ण योग इस सप्ताह दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको श्रम अधिक करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। और विशेष सप्ताह उन लोगों के लिए यह अच्छा है जो लोग मकान बनाने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, व्यवसाय करने के लिए बैंक में लोन के लिए अप्लाई किए हुए हैं, उन्हें इस सप्ताह लोन मिलने के पूर्ण योग दिखाई दे रहे हैं। रही बात किसान भाइयों की, तो किसान भाई पशुपालन से लाभ प्राप्त करेंगे, अच्छा मुनाफा इस सप्ताह किसान भाइयों को मिलने वाला है। शुभ अंक आपके लिए है 5 और शुभ रंग है हरा। इन दोनों चीज़ों का आप प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ दिखाई देगा। तो कुंभ राशि वालों का शुभ अंक 5 है, शुभ रंग आपका हरा है और पशुपालन से आपको लाभ जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। पंडित जी, मीन राशि का राशिफल भी बताएं। मीन राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि सप्ताह की शुरुआत में मीन राशि के चतुर्थ भाव अर्थात मिथुन राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा है, जो मान सम्मान यश कीर्ति प्रतिष्ठा को देने वाला होगा। माता का पूर्ण आशीर्वाद व सहयोग भी मीन राशि के लोगों को मिलने वाला है। इसके साथ साथ यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, चूँकि चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, तो आपको नई नौकरी के भी योग दिखाई दे रहे हैं। यदि पहले से नौकरी में है तो उसमें आपको पदोन्नति मिलेगी। रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाई भी बिल्कुल परेशान ना हो, यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। खास करके
ऐसे लोग जो अभी तक अपने बारे में क्या खेती करनी है, आगे कैसे क्या कार्य योजना है वो नहीं तय किए हैं, तो निश्चिंत हो जाएं, उनकी पूरे इस सीजन की कार्य योजना रूपरेखा इस सप्ताह तैयार हो जाएगी और उस वो रूपरेखा आपके लिए सफलता देने वाली सिद्ध होगी। निश्चित रूप से आपके लाभ का समय शुरू हो चुका है। शुभ अंक आपके लिए है 4 और शुभ रंग आपके लिए है मिश्रित रंग। मिश्रित रंग का मतलब होता है जिसमें कलरफुल मतलब तमाम कलर एक साथ हों, वो ऐसे कपड़ों का आप प्रयोग करें और किसी भी शुभ काम में आप 4 अंक यदि आप प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो मीन राशि वालों के लिए शुभ अंक 4 है और शुभ रंग आपका मिश्रित रंग है। 12 राशियों की चाल कैसी रहेगी सितारों के मुताबिक पंडित जी ने आपको बता दिया है। अगर आप इस कार्यक्रम में कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं उस नंबर पर आप अपनी डिटेल्स यानी जन्म की तारीख, जन्म का स्थान और जन्म का समय लिखकर नाम के साथ और सवाल के साथ हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। जी आपका बहुत धन्यवाद जी। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के राशिफल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।